नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उसेन बोल्ट जब दौड़ते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं, लेकिन इस वैलेंटाइन जब श्रीनिवास गौंडा अपने भैंसों के साथ दौड़े तो उन्हीं लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कीचड़ से लबालब मैदान में जब 8-pack ऐप लिए अपने भैंसों के साथ श्रीनिवास पहुंचे तो किसी को पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा कमार कर जाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि श्रीनिवास ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया ने भी अपनी सलामी दे डाली। लेकिन कुछ बाद में कुछ ट्वीट्स को खंगालने के बाद पता चला कि श्रीनिवास ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, बल्कि उन्होंने ये दूरी भैंसों की मदद से तय की। हालांकि उनमें अच्छे धावक के गुण जरूर बताए जा रहे हैं। बफेलो रेस यानी कि भैंसा दौड़ में 13.62 सेकेंड में 142.50 मीटर दूरी तय करने वाले श्रीनिवास से देश के खेल मंत्री भी प्रभावित हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि कर्नाटक के रहने वाले इस 28 वर्षीय युवक को किरण रिजिजू ने ट्रायल्स के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई में बुलाने की बात कह डाली। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दक्षिण कन्नड़ जिले के मुदा बिदरी के रहने वाले 28 वर्षीय श्रीनिवास ने इस पारंपरिक खेल के 30 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस खेल को कंबाला रेस भी कहा जाता है। श्रीनिवास की दौड़ ने उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया। गौंडा ने मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों द्वारा मिल रही प्रतिक्रियाओं से वह आश्चर्यचकित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कंबाला से प्यार करता हूँ, मेरा सफलता का श्रेय मेरी दो भैंसों को भी जाना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह दौड़े। उसेन बोल्ट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धावक हैं और मैं कीचड़ में दौड़ने वाला। आपको बता दें, जैसे ही गौंडा ने 13.62 सेकेंड में 142.50 मीटर दौड़ पूरी की, लोगों ने गणना शुरू कर दी 100 मीटर में उनकी गति क्या रही होगी। जब इस बात का आकलन किया गया तो पता चला कि गौंडा ने 100 मीटर की दूरी महज 9.55 सेकेंड में पूरी की, जो उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड टाइमिंग में 0.03 सेकेंड कम है। बोल्ट के नाम 100 मीटर रेस में 9.58 सेकेंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तो सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, और जब भैंसों को लेकर गोली की तरह दौड़े श्रीनिवास तो लोगों को याद आ गए उसेन बोल्ट। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।